नमस्कार संध्या आठटा बुलेटिन अर्गस सुपरफास्ट सहित मुस्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान राजधानी रे दिन दुईपहर रे युवकंकु अपहरण एभली चित्र आसीछि भुवनेश्वर डेल्टा छकरु लोकंकु उपस्थिति रे बीच रास्ता रे युवकंकु अपहरण करुछंती तीन दुर्बृत्त एक नील रंगर कार रे युवकंकु जोर जबरदस्त बसाउछंती अपहरणकारी कार रो नंबर रहिछि OD02BE7656 अपहरण बेले किछि लोके प्रतिवाद करिवारु लोकंकु नाली आखी देखाइथिले अपहरणकारी तेबे एनी थाना रे कोनोसी रिपोर्ट होइनथिबा कहिछंती खंडगिरी थाना आईआईसी प्रत्यक्ष दर्शींकु पचरा उचरा सह घटनार तदंत आरंभ करिछि पुलिस। तबे राजधानीर दिन दुईपहर रे युवकंकु अपहरण एभली चित्र आसीछि भुवनेश्वर डेल्टा छकरु लोकंक उपस्थिति रे बीच रास्ता रे युवकंकु अपहरण करुछंती तीन जण दुर्बृत्त एक नील रंगर कार रे युवकंकु जोर जबरदस्त बसाउछंती अपहरणकारी तबे किछि लोक स्थानीय लोक जो माने सेठारे उपस्थित थिले प्रतिवाद करिवारु लोकंकु नाली आखी देखाइथिले अपहरणकारी तबे एनी थाना रे कोनोसी रिपोर्ट होइनथिबा कहिछंती खंडगिरी थाना आईआईसी तबे प्रत्यक्ष दर्शींकु पचरा उचरा सह घटनार तदंत आरंभ करिछि पुलिस। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, राजधानी भुवनेश्वर रे दिन दुईपहर रे अपहरण करा जाउची तबे अपहरणकारी केउ माने एबे जाय चिन्हट हेलेने कि एवं जेउ युवकंकु अपहरण करा जायची ता तांकर किछि सूचना मिलि पारछि कि? देखंतु स्वप्ना, आपण जो घटनाटि कहिले माने राजधानी रे जो हाई प्रोफाइल ड्रामा हला राजधानी राजरास्ता रे फिल्मी स्टाइल रे प्रमु जहाँ सूचना दौले जन प्रत्यक्षदर्शी जहाँ आमको कहते प्रथम दुईज व्यक्ति जन युवक को बसईक आणले बैक जो कार्टे से किडनाप कले से कार्ट पाखे रखिले तापर उभयों मध्य बचसा होता है और पूर्व जहाँ सूचना देते कार पूर्व तीन जन व्यक्ति थे तेज जो कार्रे जो तीन जन व्यक्ति थे से जो युवक आनी बैक से घोषारिक कार्रे पकईदे और युवक जनक जिते चेष्टा करते अपहरणकारी मान बर्तवर विफल होते स्थानीय बासीदा किसी जन थे से युवक को बचेवा चेषा करते कि अपहरणकारी मैंने बहुत क्षिप्र बेगे गाड़ी चलईक नहीं जाते जड़े जड़े वयस्क महिला जड़े क्षमा करेंगे वयस्क व्यक्ति जड़े से ठिया होते अल्प के सी बर्ती जाइार स्थानीय लोक मैंने जहाँ सूचना दौले आउ गोटे सब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथ स्वप्ना बर्तमान भी आपड़ जब घटनास्थल जी घटनास्थल एबे भी मध्य जो युवक को अपहरण कर जोता से पड़ी आउ सब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा ट्राफिक रो जो पोस्ट रही डेल्टा छक ट्राफिक रो जो पोस्ट रही से मात्र 100 मीटर कि 150 मीटर दूर हम जो स्थान में युवक को किडनाप करागला युवक जनक जो किडनाप करागला से ही समय सीए देखुए सीए के जोर से पार्टी करनेक स्थानीय लोक से होहला करुले तेज ट्राफिक पुलिस ठीक टाइम कौन पर आसी पहुँची पारे नहीं गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करुच्चे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा स्थानीय लोक मैंने किसी थे से गोटे कथा कहले पुलिस आसिले जस्ट एमती देखिकी पलैले सीए जहाँ लोक मानू ठीक से भल भाव पचरा उचरा कर कथा कहते बर्तमान सुधा तो जना पड़ी ना जो युवक जन को अपहरण कर निश्चित भाव सुशांत आपड़ी भाव सूचना देते राजधानी दिन दुईपर से अपहरण करुवक तेबे एबे जाय जणा पडलानी कि केउं युवकंकु अपहरण करा जायछि एवं राज्य रे लॉकडाउन शटडाउन जारी रहिछि पुलिस रो पेट्रोलिंग मध्ये जारी रहिछि तेबे एभली समय रे किबळी भाबे राजधानी रो डेल्टा छक जेउठी आपण निजे सूचना देउछन्ती 100 मीटर दूर रे ट्राफिक पोस्ट रहिछि सेठारु युवकंकु अपहरण करा जाउछि एवं स्थानीय लोके मध्ये प्रतिवाद करिछन्ती किंतु पुलिस कोनोसी पदक्षेप नै परि नाही। सुशांत निहाती भावे आपण जो कथि कहले लॉकडाउन शटडाउन जारी रही जो मैंने बहुत कम संख्यक गाड़ी मटर चलुची तेज सब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथ ट्राफिक पोस्ट पाखर मानने अति निकटर एभली किमी घटना घटला और सहित स्थानीय लोक मैंने समय बचेवा चेषा करुले कि कौन प्रकार सफल हो नपक्ष जो कथि कहले बर्तमान सुधा तो युवक जनकर कौन परिचय मिलना ता सहित कौन पर अपहरण करो मैंने अपहरण कर
ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି କି, ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି କି? देखु वर्तमान सुधा कौन सेमती रिपोर्ट दि जाए जहाँ पाखे सूचना अच्छी जो घटनाटी घटला घटनाटी पखापाखि साढ़े पाँच रु छा समय घटनाटी घटी तेज बर्तमान कह स्थानीय लोक एवं जिते आम घटनास्थल जाइलु के जड़े दिज लोक थे जो मैंने कि प्रत्यक्षदर्शी से सूचना देते आमको कितु बाकी जो मैंने से मैंने कौन प्रकार कह साहस करूँ ना अन्य कौन कारण थी से किसी कौन कि आमको सूचना दिया जाय छी आम पाखरे जा सूचना अछि वर्तमान सुधा कोनोसी सेमती मिसिंग रिपोर्ट परिवार पक्षरु देखा जाय नै। तबे सुशांत आउ गोटे प्रश्न रही छी जो आपण जेउ सूचना दै छेंती नीलो रंगर एक कार रे तीन जण दुर्बृत आस्तले एवं से नीलो रंगर कार नंबर मध्ये रही छी तबे कार नंबर को ट्रैक करी केउन ओनर को ना कोन केउ माने कार रे आस्तले से नै पुलिस किछि तदंत करी छी कि? तबे राजधानी दिन दुईपहर युवकंकु अपहरण करिछंती तीन जण दुर्बृत एक नील रंगरे कार रे आसी स्थानीय लोके यार प्रतिवाद करिथिले मध्य युवक माने जोर जबरदस्ती युवकंकु अपहरण करा जाय करिथिबा नै एने अधिक सूचना देउथिले भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि सुशांत। धन्यवाद सुशांत आपणक तमाम अपडेट पाई। वर्तमान बुलेटिन रे समय होइछि एक छोटो ब्रेक रो। स्वागत। छोट पिलांको टीकाकरण दिगरे आउ पादे आगुकु बढ़िला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन। डीसीजीआई अनुमति परे बिहार रो पटना एम्स रे 2-18 वर्ष वयस्कंको उपरे फेज 2 एवं फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल आरंभ करिछि भारत बायोटेक। संपूर्ण स्वदेशी टीका कोवैक्सीन को भारत बायोटेक एवं आईसीएमआर पक्षरु मिलित भाबे विकसित करा जायछि। सारा देशर 25 टी स्थान रे एही ट्रायल करा जिवो। 18-84 वर्ष पाई टीका अभाव ने स्वीकार कले बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह आम पाखे यथेष टीका ना तेज जो मैंने मे 3 रे प्रथम डोज टीका नहीं थे तहार अवधि 13 जून रोथवर तार यथेष पूर्व टीका आसव 45 अधिक वर्ष लोकों पर टीकार अभाव ना एवं धीरे धीरे संक्रमितों संख्या कमुची 28 एप्रिल पजिट संख्या थी 1044 किंतु जून प्रथम संख्या कमी 918 पहुंची तेरे आसंता 10 दिन भितर पॉजिटिव रेट कमी बीएमसी कमिशनर तेरे राजधानी में दैनिक संक्रमितों संख्या कमुची बेड उपरे चाप कमी भुवनेश्वर में वर्तमान 1500 ऊर्ध ऑक्सीजन बेड खाली कही बीएमसी कमिशनर। आज राज्य में 8,849 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोध 4,948 स्थानीय अंचल 3,891 रोगी चिन्हट होती ओडिशा रे मोट आक्रांतों संख्या 7,90,970 को वृद्धि पाई खोर्धारु सर्वाधिक 1,235 तेज 85,423 जन चिकित्सित होता बेले सुस्थ हेले 7,02,621 जन। राज्य में आज 42 जनों जीवन नहीं किलर वायरस कोरोना ओडिशा रे मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 2,873 को वृद्धि पाई सुंदरगढ़ सर्वाधिक 5 जन कोरोना रोगी मृत्यु होती कलाहांडी और कटकु 4 जन लेखाएं मृत्यु तेज झारसुगुड़ा खोर्धा और बौद्धु 3 जन लेखाएं मृत अनुगुल बालेश्वर बलांगीर देवगढ़ गजपति केन्द्रापड़ा नवरंगपुर और रायगड़ 2 जन लेखाएं रोगी मृत्यु होती पूरी गंजाम बरगढ़ और भद्रक जड़े लेखाएं आक्रांत प्राण हर वर्तमान देश में B1.617.2 भूताणु देखाई आईएलएस निर्देशक अजय परिडा तेरे 60% लोकों भूताणु संक्रमित ओडिशा रे भी समान अनुपात रे भूताणु देखाई प्रथम लहर में B1.617.1 भूताणु देखा देखाई निष्क्रिय अवस्था को जाई
କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା, ଟିକାକରଣ ଓ ଭାଇରସର ପରବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଉପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 174,154 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,84,41,986 ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିନକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 2,887 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 337,998 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏଁ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 2,63,90,584 ଜଣ। 17,13,413 ଜଣ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ 22,10,43,693 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 37,08,334 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 17,24,93,290 ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 15,91,54,825 ଜଣ। କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। କେରଳର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିବା ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେରଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପଦେଷ୍ଟା ସହ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ସାହୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବିଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏଥିସହ ପରିବାର, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଯିବାର 8 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଧାମରାର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଲ ଓ ଚାଉଳ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। 8 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ କେହି ବି ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଓରାମାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସାରସପଣା ବ୍ଲକ ବମ୍ବେ ଛକ ନିକଟରେ ଭୋକ ସହି ନପାରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୋକ ସହି ନପାରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣ ବେଳେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ ମଧୁପାଟନା ଥାନା ପୋଲିସ। ତିନିଘରିଆ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ 1 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, 17,000 ଟଙ୍କା ଓ 4ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,10,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଣୀଦେଇ ଗାଁର କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ସବିତା ସେଠୀ। ଆଶାକର୍ମୀ ସବିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିସହ କରୋନା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାସିକ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗାଁରେ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ଥିବା ପୁଅ ଗିରଫ।
मे 23 सतानंद महांती को टांगिया रे हाणी हत्या करथिला पुओ तपन महंत। आज तपन को गिरफ करबा सह हत्यारे व्यवहूत टांगिया को जबत करिछि कंकड़ा हाड़ पुलिस। स्वेच्छासेवी संगठन प्रिंस पक्षरु कटक शहर में असह्य राशन सामग्री को प्रदान करा जाइछि। लॉकडाउन पर रोजगार हराई कष्टरे दिन काटुछन्ति ऑटो ड्राइवर। आज संघ पक्षरु नियाळीरु 50 रु अधिक ऑटो ड्राइवर को राशन सामग्री बंटा जाइछि। कार्यक्रम में शामिल हो राशन सामग्री बांटिछन्ति ओलीवुड अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी। वर्तमान अर्गस सुपरफास्ट समय होइछि आउट ऑफ ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत। संबलपुर रेडाखोल विज्ञापित अंचल परिषदर समस्त वार्ड में जलिला स्ट्रीट लाइट। ग्रीनफिल्ड योजन 3,63,00,000 टंका व्ययरे 742 स्ट्रीट लाइट लगा जाइछि। एहाकु उद्घाटन करिछन्ति रेडाखोल विधायक रोहित पुजारी। बुला पशु खाद्य खाई भोकिला पेट को बुझाइले दिव्यांग युवक। कोविड काल में यह विकल दृश्य आसी गंजाम जिलारु। बुगुड़ा बसस्टाण्डे दीर्घ 4 दिन है भोक उपास पड़ रही युवक जनक। लॉकडाउन जो खावाक नपाई एणेतेणे बुलुते कि बदान्य व्यक्ति गाई और कुकुर खाद्य अखा उपर बेले युवक जनक गोटाई खाऊ देखा मिलता जो दृश्य हृदय विदारक अटे। राजधानी उपकंठरे अबकारी टीम उपरकु आक्रमण। भरतपुर अंचल रे चोरा मद कारबार हेउथुबा खबर पाई अबकारी टीम चढ़ाउ करथिला। तबे किछि दुर्बुत अबकारी टीम को आक्रमण करथिले। एपरिकि अबकारी विभाग गाड़ी को भंगारुजा मध्य करिछंती। आक्रमण रे महिला कर्मचारी को समेत 5 जण आहत होइछंती। घटनारे 2 जण को अटक रखिछि पुलिस। गंजाम गांगोपुर थाना मरेपट गांव निकटरे भारसाम्य हराई ओल्टिला डाला ऑटो। जड़े महिला मृत्यु होता बेले 14 जण गुरुतर होती। मृत महिला जनक दिमिरीपल्ली गांव रेणु नायक। गुरुतर माने भंजनगर मेडिकल रे भर्ती होती। आज सका दिमिरीपल्ली गांव 15 जण महिला पोखरी खोला कम रत्नपुर गांव को जवा समय अटोटी भारसाम्य हर ओल्टी पड़ा। आज विश्व साइकिल दिवस एही अवसर दियासिली काठी साइकिल गढ़ी पूरी कुंभारपड़ा अंचल युव शिल्पी शाश्वत रंजन साहू। शरीर को सुस्थ रखा सह परेश प्रदूषण मुक्त करने साइकिल चलवा को निजर कलाकृति जरिया विश्ववासी को सचेतन बार्ता देते शाश्वत। यह साइकिल लंब प्राय 50 इंच ओसार प्राय 25 इंच हो। मोट 3653 दियासिली काठी व्यवहार करा जाइछि। साइकिल आग चकटी बड़ थिबा बेले पछ चकटी आग चकठारु अपेक्षाकृत सान रहिछि। पुरी निमापड़ा थाना चारिछक ब्रह्मपुंडी ठारे थिबा एक बाण गोदाम रे विस्फोरण। लक्षाधिक टंकार बाण ओ आसबाबपत्र नष्ट होइ जाइछि। विस्फोरण कारण जनापड़ नथिबा बेले तदंत चलाइछि पुलिस। बात्या यश मुकाबिला नहीं राज्य सरकार को उपरे बर्षिछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता मनमोहन सामल। बात्या अंचल 9 दिन बुलिबा परे सांबादिक सम्मेलन कर राज्य सरकार को टार्गेट करिछंती मनमोहन। बालेश्वर भद्रक जिले में एबे मध्य लोके पानी घेरे अछंती। राज्यर कौनसी गोदाम में चाउल गहम आदि खाद्य सामग्री नथिला। प्रधानमंत्री घोषणा करथिबा चाउल मध्य नथिला। बात्या आश्रयस्थली मरामती करा जाउ नथिबा कहिछंती मनमोहन। बात्यांचल समस्त कच्चा घर को पक्का घर में परिणत करने फसल नष्ट बाबद को तुरंत क्षतिपूरण देवाक दावी कर मनमोहन सामल। धर्मशाला निर्वाचन मंडली उत्तर प्रताप बालीघाट को विरोध कर शताधिक महिला रास्ता रोक। रास्त बाली पड़ रहा द्वारा दुर्घटना हो रास्त जावा आसवे असुविधा होभोग ब्राह्मणीर शाखा केलुओ नदी बाली उत्तोलन फलरे पाखरे थिबा उत्तर प्रताप तेबे नरसिंहपुर आदि ग्राम बन्या समय प्रभावित हेबो सेथिपई घाटो को बंद करा जाउ बोली दाबी करिछंती महिला। श्रीमंदिर पश्चिम द्वार निकटरे थिबा विश्व शांति अखंड हरिनाम संकीर्तन मंदिर दाना बाक्स को लूट करा जाइछि। विलंबित रात्रि दुर्बृत्त माने
ମନ୍ଦିରର ଦାନବାକ୍ସ ତାଡ଼ି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରାତିରେ ଜଗୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ କିଭଳି ଲୁଟ୍ ହେଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଠାବ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖବର ପାଇ ବିପୁଳ ନକଲି ମଦ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘର ମାଲିକ ରମେଶ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା 63 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ନିଶା ଗାଁ ନିକଟରେ ଟମାଟୋ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି 2 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଅନୁଗୁଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭୋର 4 ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଳକଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରୁ ଜାଡିପୁର ଗାଁକୁ ଗୁରୁଦେବ ବରାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କିଶୋର ବରାଳଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।